हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपको बताऊंगा अनप्रेजेंटेड चेक्स के बारे में। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं और किस तरीके से बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इनको ट्रीट किया जाता है। तो अनप्रेजेंटेड चेक जो है, ये वो चेक होता है जो इशू हो गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। यानी कंपनी ने इशू कर दिया अपने वेंडर को, लेकिन वेंडर ने अभी बैंक में इसको इशू प्रेजेंट नहीं किया। अब जब बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो इसका अमाउंट भी बैंक ने डिडक्ट नहीं किया। जब अमाउंट बैंक ने डिडक्ट नहीं किया और कंपनी ने अपने पास से डिडक्ट कर दिया, तो कंपनी के पास जो अमाउंट आ रहा है वो कंपनी के पास अमाउंट कम आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर दिया। तो इसी वजह से इसको जब बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रीट करेंगे तो बैलेंस एज पर बैंक बुक हम लिखेंगे, हम अपनी बैंक बुक का बैलेंस लिख देंगे, उसके बाद फिर अनप्रेजेंटेड चेक्स लिखेंगे नीचे और फिर उसको हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो फिर यह हमें वही बैलेंस दिखाएगा जो बैंक स्टेटमेंट का है। बैंक बुक हमें कम बैलेंस दिखा रही थी जब हमने अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड नहीं किया था बैंक स्टेटमेंट के मुकाबले में, लेकिन जब उसको ऐड कर दिया तो वो बैंक बुक बिल्कुल वही बैलेंस दिखाएगी जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होगा, क्योंकि ये अमाउंट अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है बैंक अकाउंट से कंपनी के, इसी वजह से।